हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये सॉफ्ट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। नो मैटर आपको मेकअप करना आता हो या ना आता हो, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। आपको सारे स्टेप बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी मेकअप है ये। स्पेशली बिगनर है, मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, तब भी बहुत ज़्यादा मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स इस मेकअप लुक में शेयर किए हैं, तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विंटर टाइम चल रहा है, फेस को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने पिलग्रिम का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। नेक्स्ट फेस पर प्राइमर के लिए मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइमर है। थर्ड फ्रेंड, आज मैं दो फाउंडेशन मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास कोई फाउंडेशन का प्रॉपर शेड ना हो तो एक लाइट और डार्क शेड का फाउंडेशन मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। और फाउंडेशन के लिए मैंने मेबलिन का 24 सुपर स्टे फाउंडेशन यूज किया है, काफी मैट फिनिश देता है। तो फेस को पे पहले अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर का आप यूज कर लें ताकि किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन ना हो। तो ब्लेंडिंग को आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फिंगर की हेल्प से अच्छी तरीके से डैप डैप करके लगा रही हूँ। अगर आप फेस पर फुल कवरेज चाहते हैं तो इस तरीके से आप हमेशा फाउंडेशन को यूज कीजिए। उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इवनली ब्लेंड कर ले रही हूँ। इससे फ्रेंड किसी भी तरीके के पैचेस दिखाई नहीं देंगे, फाउंडेशन इवनली ब्लेंड हो जाएगा और आपको फुल कवरेज देगा। फ्रेंड, मैं यहाँ ब्लशर के लिए मियोन का लिप एंड चीक टिंट यूज कर रही हूँ। और विंटर में इस तरीके के क्रीम ब्लशर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली ब्लशर का यूज किया है, पाउडर से सेट नहीं किया, क्योंकि ये बहुत अच्छे ड्यूसी फिनिश देता है। अब मैं पूरे फेस को पाउडर से सेट ना करके एक लूज पाउडर की हेल्प से अपने अंडर आई एरिया को सेट कर लूंगी, जहां पर क्रीजिंग ना हो। अदरवाइज पूरे फेस पर मैं हल्का हल्का सा लूज पाउडर से सेट कर लूंगी। ये विंटर में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर में अगर आप ज्यादा कॉम्पैक्ट या पाउडर यूज करते हैं तो आपका फेस जो है काफी पैची लगता है, काफी ड्राई लगता है। तो इस तरीके से हल्का हल्का आप लूज पाउडर से अपने मेकअप को सेट कीजिए। नेक्स्ट मैं लॉरेल की ब्रो किट की हेल्प से अपने आईब्रोज के गैप को फिल कर लूंगी। ये बहुत अच्छी जो नेचुरल सा कलर देता है, ये नेचुरल ब्राउन कलर है, तो काफी अच्छी तरीके से आपकी आईब्रोज को फिल कर देता है। और फ्रेंड, आई मेकअप के लिए आज मैं मेकअप रेवोल्यूशन की ये आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। इतनी अच्छी आई शेडो पैलेट है ना, इसमें कलर जितने भी हैं बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा मैं आई मेकअप करूंगी, बट इसके अंदर जो पिगमेंट है, जो शिमर है, वो इतना अच्छा लुक देंगे, एकदम से मेरी आई मेकअप जो है बहुत अच्छा सा लगने लग जाएगा। आप देख सकते हैं, मैंने एक ब्राउन शेड लिया था पूरे प्रॉपर आईलिड पे लगाने के बाद, उसमें से एक मैंने गोल्ड पिगमेंट को पिक किया है और अपनी सेंटर आईलिड पे लगा लूंगी और कितना ज्यादा इजी है। नेक्स्ट मैंने ये शिमरी शेड पिक किया है, रोज कलर का शेड है, बट ये एकदम प्रेस ग्लिटर की तरह है। आप देखेंगे एकदम पिगमेंट है ये, आप लगाते के साथ आई मेकअप का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। और नेक्स्ट मैंने लाइनर लगाया, यहाँ पर मैंने मेबलिन का कॉलोसल लाइनर का यूज किया है। अच्छा लाइनर है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, काफी लंबे टाइम तक आईज पर एज इट इज रहता है जब तक आप रिमूव नहीं करते। नेक्स्ट मैंने मियोन की व्हाइट कलर की आज आई पेंसिल का यूज किया है, अपनी वाटर लाइन पर मैं लगा लूंगी। और सेम आई शेडो पैलेट से मैंने ब्राउन शेड पिक किया है, लोअर लैश लाइन पर कुछ इस तरीके से स्मच कर लूंगी। आई मेकअप काफी काफी अच्छा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना कैसा आपको लगा। मुझे काफी टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगा, बट देखने में आप देख सकते हैं ये हर तरीके के आउटफिट, आप जैसे भी अगर आउटफिट पहनते हैं, वेस्टर्न पहनते हैं, ट्रेडिशनल पहनते हैं, हर तरीके के आउटफिट के साथ अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज किया है, काफी अच्छा हाइलाइटर है, इस तरीके से मैं अपने हाइलाइटेड एरिया पर इसे लगा लूंगी। और नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने यहाँ पर मियोन की एक क्रेयॉन पेंसिल का यूज किया है और बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है ये, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और नेक्स्ट मैंने सेटिंग स्प्रे को अपने फेस पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर लिया है, मेबलिन का सेटिंग स्प्रे है ये, और ही इज द फाइनल लुक। ये लुक मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया और मुझे इस लुक के बाद काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मिले, क्योंकि हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम भी नहीं लगा होगा, बट जो आउटकम आया आप देख सकते हैं, रिजल्ट काफी ऑसम है।
एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट। आई मेकअप आप देख सकते हैं, आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। तो आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और ये मेकअप करने की कोशिश जरूर करना। फ्रेंड आप जो भी चीजें मैं शेयर करती हूँ बहुत इजी वे में शेयर करती हूँ, आप ट्राई करके जरूर देखना ना। एंड देखने में जितना इजी लग रहा है करने में भी उतना इजी है। तो मिलती हूँ मैं और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।